कृष्ण, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने दिया है कि सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों, सिस्टम हैज इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है कि इफ a1 बाय a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, तो इस कंडीशन में आपने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी हमें इस कंडीशंस को ना ग्राफिकली दिखाना है। तो देखो बच्चों, ग्राफिकली हम कब दिखाएंगे, जब दो लाइन जो होंगे ना पैरेलल होंगे। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इसका ये कंडीशन होता है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपने तीन कंडीशन पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखो बच्चों, हम लोग इसमें क्या पढ़े थे, यूनिक सॉल्यूशन पढ़े थे। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, और a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 में हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें मिलेगा एंड नो सॉल्यूशन। और एक कंडीशन और आपने पढ़ा था कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस कंडीशन में हमने देखा था क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। बट इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि ग्राफ के माध्यम से दिखाना है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, ये कंडीशन को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ग्राफ में इस क्वेश्चन को। आप सिंपली क्या करो ना, दोनों लाइन को लेके ग्राफ को ड्रॉ करो, आपको रिजल्ट मिलेगा दो पैरेलल लाइंस का। और दो पैरेलल लाइंस का अगर रिजल्ट मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिस्टम है जो इक्वेशंस दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, 2x प्लस 4y बराबर 10, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और सेकंड देखिए, 3x प्लस 6y बराबर 12, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, तो 2x प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर देखो बच्चों क्या होगा, 10 माइनस 2x हो जाएगा, therefore y बराबर 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब आप क्या करो ना, यहाँ पर कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू x और y का कंसीडर कर लो, 3, 4, और ऐसा कंसीडर करना जो हमें एक्सिस पे भी कुछ वेट अगर मिल जाए तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर अगर हम x का मान 5 रखते हैं, ठीक है, तो देखो 5 2 10, तो 10 माइनस 10 0, तो यहाँ देखो 0 हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो x का मान, तो देखो x का मान अगर 0 रखेंगे तो 10 अपॉन 4 बचेगा, तो 2 2 2 5, तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1 रखते हो तो देखो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 2 और 10 में से 2 गया, 8 अपॉन 4 बराबर 2। अब आप क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लो, तो 3x प्लस 6y बराबर कितना, 12, तो 6y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x, देयरफॉर y बराबर 12 माइनस 3x अपॉन 6। अब आप यहां पर भी क्या करो, x और y का वैल्यू को कंसीडर कर लो, कम से कम 3 वैल्यू लो जिससे ग्राफ बनाना आसान हो जाए। जैसे x का मान देखो, यहां पर फिर से 0 लिए, ठीक है, तो 12 माइनस 0 12, तो ये 2 बचेगा। यहाँ अगर 4 लोगे बच्चों, तो 4 3 12 12 माइनस 12 0, तो 0 बच जाएगा, 0 अपॉन 6। अब अपने मन से एक वैल्यू ले लो, जैसे 2 ले लिया आपने, तो 3 2 6, ठीक है, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 होगा, और 6 अपॉन 6 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर 2 लोगे तो 3 2 6, 12 माइनस 6 6, 6 अपॉन 6 कितना हो गया, 1। अब आप इसी डेटा को लेके क्या करो ना, ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ओरिजिन मान के कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करो ना, इक्वल इंटरवल पर आप कुछ वैल्यू ले लो, जैसे 5 तक गया है, चलो हम लोग 5 तक वैल्यू को कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, फिर से देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे। देखो, ग्राफ पेपर पे बनाने से बेनिफिट क्या होगा कि लाइन एकदम सीधा ड्रॉ होगा। यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ, तो लाइन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक छोटा पॉइंट का भी अगर डिफरेंसेस होगा दो डिजिट के बीच में तो प्रॉब्लम हो सकता है। बट आई विल ट्राई कि यहाँ पे भी ग्राफ सही ही बने, ठीक है, और बनेगा।
देखो जैसे बच्चों x का मान 5, y का मान आप 0 लोगे तो x 5, y 0, तो देखो ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और x अगर हम 0 लेंगे तो देखो बच्चों y 2.5 बनेगा, x अगर 0 लोगे तो y 2.5 देखो यहां पर हो जाएगा बीच में 2 और 3 के बीच में, ठीक है। और यदि x 1 लोगे तो y देखो बच्चों 2 आएगा, तो यहां पर आएगा, ठीक। अब देखो यहां से एक ना आप सीधा क्या कर सकते हो ना, लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वैल्यू देखो x 0 y 2, x 0 y 2 आ रहा है ना, तो ये 2 देखो यहां पर मैंने लिया है, तो यहां पे पॉइंट्स हम कर देते हैं x 0 y 2। फिर देखो बच्चों x 4 y 0, देखो ये पॉइंट्स हो जाएगा, और x 2 y 1 दिया है, देखो x 2 और y 1 जस्ट यहां पर आएगा 2 के ऊपर 1 के सामने, ठीक है। तो देखो एक लाइन फिर से यहां से क्या होगा, ड्रॉ होगा, तो ये लाइन आप देख रहे हो ना बिल्कुल पैरेलल बन रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल बना, इसका मतलब यहां पे हमने बता दिया ग्राफिकली कि जो दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप लिखोगे सिंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और कभी कभी हम लोग अचानक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब इसे कैसे बनाए, क्योंकि आप हमेशा ये याद करके जाते हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन होता है, किसका, नो सॉल्यूशन का। तो देखो आप यहाँ पे करोगे आपको ये कंडीशन दिखेगा भी, जैसे देखो a1 कितना दिया है 2, b1 कितना दिया है 4, और c1 10 को इधर ले आओ तो देखो -10 होगा, a2 देखो क्या दिया हुआ है 3, b2 क्या दिया है 6, और c2 क्या दिया है 12 को लेफ्ट साइड ले आओ तो -12। अब आप निकालोगे तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ रहा है 2/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है तो 4/6, 4/6 को आप क्या लिख सकते हो 2/3, तो 2/3, और c1 अपॉन c2 को देखो क्या लिखोगे -10/-12, इससे ये गया 2/5 + 2/6, तो 5/6। देखो यहाँ पे हमने दिखाया कि a1 अपॉन a2 2/3 और b1 अपॉन b2, इससे क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको ये जब बोल दे ग्राफ के द्वारा दिखाना है, ठीक है ना, ग्राफ के द्वारा, तो हम इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, फिर इस तरह से दिखाओगे तो आपका मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम लोग धड़फड़ा जाते हैं, और ग्राफ यहाँ पे लिखा रहता है कि सोल्व ग्राफिकली, फिर भी हम क्या कर बैठते हैं, हम लोग बाय दिस मेथड प्रूफ करके आ जाते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो आई होप आप ऐसी गलती ना करेंगे। ओके, थैंक यू।